कैसे हैं आप? सबको करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। त्योहार को मनाएंगे जो शास्त्र सब एक दिन सभी लोग मिल करके। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं गीता सिंह, कैसे हैं आप सबको करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि रक्षाबंधन की। जी हाँ, आपकी बार फिर वही हाल हो गया है कि 31 की रक्षाबंधन है या 30 की रक्षाबंधन है। ये बड़ा असमंजस सा सवाल हो जाता है कि 30 की मनाएं या 31 की मनाएं, कौन सा दिन ज़्यादा शुभ है। तो सबसे पहले हम महाराज जी ने बताया, अच्छे हैं वृंदावन के हैं ये महाराज जी, और उन्होंने भी इसी बात पर सवाल उठाया है कि हर बार की तरह आपकी बार भी दो रक्षाबंधन क्यों मनाई जा रही है। हमें नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा शुभ दिन कौन सा है। तो चलिए जान लेते हैं महाराज जी से कि उन्होंने क्या बोला है, कौन सा दिन शुभ बताया है, 30 बताया है या 31 बताया है। तो आप लोग भी मेरे साथ महाराज जी की बातें सुन लीजिए। समस्त सनातनियों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम और श्रद्धा का महापर्व रक्षाबंधन, पावन पर्व त्योहार, इस बार भी दो दिन का संशय बन गया है कि 30 अगस्त को मनाए या 31 अगस्त को मनाए। उन सभी सनातन धर्मावलंबियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके करवट प्रार्थना है कि मत बांटो हमारे व्रत और त्योहारों को दो दिनों में। हम सभी सनातनी हिंदू भाई बहन एक दिन एक साथ मिल करके अपने व्रत और त्योहार को मनाएंगे जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है। मैं आप सबको निर्णय सिंधु, जो हम सभी हिंदुओं का मूल ग्रंथ है, इसमें कहा गया है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी निरपति महंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। इसमें कहा गया कि अगर भद्रा हो तो उस समय रक्षाबंधन पर्व को नहीं करना चाहिए। 30 अगस्त को 11 बजे से पूर्णिमा प्रारंभ होगी, जो चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा है। रात्रि 8:42 तक जो है वो भद्रा व्याप्त रहेगा, तो इसलिए भद्रा जो है पूर्णिमा को प्रारंभ होते ही रात्रि 8:42 तक भद्रा रहेगा, जिसके कारण 30 अगस्त को किसी भी प्रकार से कोई शुभ नहीं है रक्षाबंधन पर्व को मनाना। और 8:42 के बाद से आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हम सभी भाई बहन के लिए यह चीज संभव नहीं है। और रात्रि में भी कभी आपने रक्षाबंधन देखा नहीं है, तो यह दिन का पर्व है। तो अगले दिन 31 तारीख को प्रातः 7:07 तक प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा रहेगी। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो सूर्योदय काल से जो तिथि आती है वह पूरा दिन मान्य होता है। तो इसलिए आप सभी सनातनी एक साथ एक दिन सभी लोग मिलकर के 31 अगस्त दिन गुरुवार को सभी लोग रक्षाबंधन पावन पर्व को मनाएं। और पूरे दिन किसी भी समय आप मना सकते हैं, ये शास्त्र सम्मत है और पूर्ण रूप से शुद्ध है, किसी भी प्रकार का कोई संशय में नहीं पड़ना है। बस प्रार्थना यही है कि हम सभी एक दिन एक साथ मिलकर के अपने व्रत और त्योहार को मनाएं। तो यह रक्षाबंधन का पावन पर्व, भाई बहनों का अटूट प्रेम का यह पर्व है। इस पर्व में भाइयों को भी यथाशक्ति अपने बहनों को कुछ उपहार स्वरूप देना चाहिए। तो गुरुवार का दिन है, आप पीली वस्तुओं को। तो सुना ना, महाराज जी ने भी बताया है कि 31 तारीख की रक्षाबंधन है जो कि काफ़ी ज़्यादा शुभ है। बहन भाई के प्यार का जो बंधन है वो है 31 तारीख, जो कि आप सबको जवाब मिल गया होगा क्योंकि महाराज जी ने स्पष्ट बता दिया है कि 31 तारीख को ही सभी को राखी बांधनी है। जो हमारे हिंदू धर्म है हमें उसको 31 तारीख को ही राखी बांधनी है। तो आप भी 31 को बांध सकते हैं। जो कोई भी 30 को, कौन 30 को मना रहा है, कौन 31 को मना रहा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है, एक हिम्मत मिलती है कि हाँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और कोई रीज़न नहीं है। सो गाइस, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।